उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर में एक अनोखी शादी हुई। यहां पति ने अपनी ही पत्नी की खुशी के लिए उसकी शादी उसके प्रेमी से करवा दी। यही नहीं, जश्न अधूरी न रह जाए जिस वजह से उसने बारात में जमकर डांस किया। शादी पूरे रीति रिवाजों और धूमधाम से बैंड बाजा बजाकर संपन्न हुई। इस शादी में इलाके के लोग शामिल हुए। विदाई के वक्त पति अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रख पाया और फूट फूट कर रोया। फिलहाल इस अनोखी शादी की सोशल मीडिया पर खूब चर्चाएं हो रही है। दरअसल कानपुर के सुजी उर्फ गोलू गुप्ता की शादी पास के ही गांव की लड़की शांति के साथ 19 फरवरी को हुई थी। शादी के बाद वह अक्सर फोन पर लंबे समय तक किसी से बातें किया करती थी। फिर शादी के बाद शांति अपने माता पिता के घर लौट गई। लंबे समय तक न आने पर गोलू ने शांति से घर न आने का कारण पूछा, लेकिन शांति ने कुछ नहीं कहा। एक दिन शांति ने गोलू को पूरी कहानी सुनाई और जबरदस्ती शादी करने की बात बताई। उसने बताया कि उसे लखनऊ के रहने वाले रविवार नाम के लड़के से 3 साल से संबंध है। रविवार के बिना वो जी नहीं सकती। जिसके बाद गोलू ने पत्नी की बेआईक प्रेम से शादी करवाने का वादा किया, जिसके बाद वो लड़की और अपने माता पिता को मनाने में जुट गया। उसने घर वालों को बताया कि मैं इसकी शादी इसके प्रेमी से करना चाहता हूँ, यदि यह लड़की मर गई तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अपनी और परिवार की बर्बादी से बचाने के लिए उसने लड़की की शादी प्रेमी से करवाने की ठानी। इसके बाद गोलू ने पूरी प्लानिंग कर लोकर पुलिस को सूचित कर दिया। कानपुर के पास ही चखेरी गांव के हनुमान मंदिर में गोलू ने शांति और रविवार की शादी कराई। पत्नी की शादी में गोलू ने जमकर डांस किया, फिर विदाई के दौरान पत्नी को देख कर फूट फूट कर रोने लगा।